सो दोस्तों आज हम आपको नोएडा के सेक्टर 33 में लेकर आए हैं, जहां पर एक नहीं दो दो पार्क रिसेंट में ओपन हुए हैं थोड़े टाइम पहले। एक है चिल्ड्रन पार्क और दूसरा है शिवालिक पार्क नोएडा। इस वीडियो में दोनों पार्क हम आपको दिखाने वाले हैं। घर मेरे साथ आया जो कि यहाँ पे एंजॉय करेगा। यस, तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। पार्क के अंदर चल के देखेंगे ऐसा क्या क्या है यहाँ पर। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ तो आपको भी दिखाएंगे, पूरा टूर करेंगे। कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सो दोस्तों मेरे सामने है चिल्ड्रन पार्क नोएडा। इसकी जो लोकेशन पड़ती है सेक्टर 33 में, बिल्कुल इस्कॉन टेम्पल के पास है। और यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर नोएडा का 34 पड़ता है। पार्किंग आपको यहीं बाहर मिल जाएगी, बाइक्स खड़ी हैं और गाड़ियाँ भी फिलहाल अभी यहीं खड़ी हैं। एंट्री फ्री है इस पार्क की। और ये जो दूसरा पार्क आप इधर देख रहे हैं मेरे साइड में पीछे, जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, ये है शिवालिक पार्क नोएडा। ये दोनों पार्क एक साथ ओपन हुए हैं। सो देखते हैं यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं चिल्ड्रन पार्क के अंदर, जहाँ पर आपको चिल्ड्रन के झूले मिलने वाले हैं, स्लाइड्स छोटे छोटे जो होती हैं, स्विंग्स। सो बेसिकली ये पार्क जो है अपना अब नोएडा का चिल्ड्रन पार्क है, ना कि दिल्ली का जैसे इंडिया गेट के पास बना हुआ है। यहाँ पे नोएडा को अपना मिल गया है। इस वाले पार्क की टाइमिंग रहती है 5 से 8, और शिवालिक पार्क जो मैं बता रहा हूँ वो 9 बजे तक खुलेगा। वहाँ पे शायद फाउंटेन्स भी चलेंगे, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और वेट करूँगा तब तक के लिए। तो यहाँ पर घर चल दिया है अपना एंजॉय करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर जैसा कि होता है वो देखो, चढ़ गया ऊपर। सो ऐसे आपको स्लाइड्स इंडिया गेट में भी मिलते हैं छोटे छोटे। ये यहाँ पर बच्चे एंजॉय करते हुए, काफ़ी अच्छी चीज़ बना दी गई है नोएडा वालों के लिए भी। सो इसके पास ही आपको इस्कॉन टेम्पल भी है, चौकी हवेली तक है, आपने वीडियोस मेरे चैनल पर देखी होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलता है नोएडा हार्ट, जैसे कि दिल्ली हार्ट है। सो तीन चार चीज़ें हैं जो कि आप चाहें तो एक साथ अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इवनिंग में खुलता है, दिन में वहाँ आइए, और विंटर्स में तो बढ़िया रहता है। सो ये देखिए बच्चे यहाँ पर इन्जॉय करते हुए। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या, मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ स्विंग। ये देखिए बच्चे झूलते हुए। तो ये देखिए यहाँ पे इसके पास स्लाइड्स के पास कारपेटिंग की गई है, कारपेट है पूरा की, मतलब मोटी चीज़ बिछाई गई है जिससे कि बच्चों को लगे बिना। ये देखिए ये यहाँ पर रोप पे चढ़ गया घर, नेट पे आते ही चालू हो गया अपना। छोटे स्विंग बड़े स्विंग सब है यहाँ पर। ऐसे दो लगाए गए हैं यहाँ पर, एक पीछे था जो मैंने आपको दिखाया है, ये लगा हुआ बच्चे इन्जॉय करते हुए यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए स्लाइड्स देख लीजिए आप, कौन कौन मतलब झूले जो राइड्स हैं बच्चों के लिए, स्लाइड तो नहीं है ये, कौन कौन से झूले हैं आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे तो आए हुए हैं लेकिन अभी लोकल्स आसपास कैसा लग रहा है कि ज़्यादा आया हुआ है क्राउड, थोड़ा फैमिलीज थोड़ी कम नज़र आते हुए फिलहाल, क्योंकि शायद ये अभी ज़्यादा टाइम पहले खुला नहीं है और अभी इतना पब्लिसिटी इसकी करी नहीं गई है। और अभी इसका इनॉग्रेशन होना है, जैसा कि मैंने गार्ड से पता करा भैया से, वो बोल रहे हैं अभी तो इसका इनॉग्रेशन भी होना है क्योंकि कुछ वर्क चल रहा है अभी इस पर। एक ये वाला है यहाँ पर बच्चों के लिए। सो बच्चों, छोटे बच्चों को तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है, घर को इतना थोड़ा सा अब बड़ा हो गया तो फिर भी कर ही रहा है। ये आ गया देखो तो बच्चे यहाँ पे शोर मचाते हुए काफ़ी। सो यहाँ पर कुछ दीवारों पे पेंटिंग्स भी करी गई है बच्चों के लिए। बैठने का पूरा अरेंजमेंट है पार्क में, ग्रीनरी अच्छी है, ग्रास अच्छी हो रखी है और अरेंजमेंट पूरा। सो यहाँ पर छोटी छोटी टनल्स भी बनाई गई हैं, बहुत छोटी हैं, घर जाएगा उधर से आएगा देखते बाय। सो ये देखिए ये ऐसे बनाई गई हैं बच्चों को एंजॉय करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं बेसिकली। ऐसी बहुत सी टनल्स हैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो घर बाहर आता हुआ। ये देखिए हाँ, ये पहले बाय फिर आए। ये देखो ये सारी यहाँ पे टनल्स हैं जिन्हें बनाया गया है। ये ऐसे है ये टनल्स जो मैं आपको कह रहा हूँ, देख रहे हो इधर भी बनी हुई हैं टनल्स बहुत सारी हैं, कुछ उधर भी झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। सो यहाँ भी कुछ स्लाइड्स और लगाए गए हैं बच्चों के लिए जिससे कि वो एंजॉय कर सके पूरे पार्क में कहीं पर भी। सो फ्रेंड्स, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो इस्कॉन है। ये देखिए मैंने कहा था ना आपको इस्कॉन के बिल्कुल पास बना भाई। सो अगर आपको इस्कॉन पता है तो आप आराम से इस पार्क में आ सकते हैं, नोएडा वालों के लिए तो ठीक है काफ़ी। बाकी रिव्यू एंड में दूंगा कि कितना खास लगा।
घर यहाँ पे झूलता हुआ, ये बहुत छोटे के लिए घर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि जैसे 7-8 साल तक का बच्चा यहाँ पर आराम से एंजॉय कर सकता है, क्योंकि इतना खास अभी झूले मुझे नज़र नहीं आए वैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शिवालिक पार्क नोएडा में आपको दिखाते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ पार्क बताते हैं, झूले नहीं है, लेकिन यह फाउंटेन बता रहे थे, तो देखते हैं। सो ये कुछ ऐसा है, सामने बिल्डिंग बड़ी बड़ी नज़र आ रही है। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये यहाँ पर फाउंटेन्स चल चुके हैं शिवालिक पार्क में। तो चलिए नज़दीक से आपको एक बार दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे लाइट्स वगैरह अब ऑन हो चुकी हैं और फाउंटेन्स आप देख सकते हैं लगाए गए हैं, थोड़े से चला दिए गए हैं। इवनिंग में चलते हैं, 6 बजे यहाँ पर फिक्स टाइम, 8 बजे तक ये शिवालिक पार्क ओपन रहने वाला है। तो अगर आप आना चाहते हैं, आसपास से हैं, तो आप आ सकते हैं। तो ये देखिए, बेहद ही खूबसूरत यहाँ पे ये लगता हुआ, थोड़े फाउंटेन्स चले हैं तो थोड़ा अच्छा लगने लगा है। तो ये देखिए आप, कितना सही लग रहा है, अलग अलग लाइट्स हैं यहाँ पर, और ठीक है ओवरऑल शाम के टाइम थोड़ा ठीक सा लगता हुआ। सो फ्रेंड्स, आज हमने आपको दिखाया चिल्ड्रन पार्क, शिवालिक पार्क, जो कि नोएडा में कुछ टाइम पहले ही ओपन हुए हैं। सो मतलब यार एवरेज है, जो ऑनेस्ट रिव्यू है ना जो हमारा, वो एवरेज है ना भाई। बहुत ज़्यादा खास नहीं है कि आप बहुत दूर से यहाँ पर आएंगे, बट नोएडा के लोग अपना शाम को इवनिंग में आना चाहते हैं, तो नोएडा के आसपास के सेक्टर 33 के आसपास के लोग आगे थोड़ा बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। और करीब 6 बजे के करीब आइए, जिससे कि आप ये फाउंटेन्स ओपन हो जाएंगे। और हाँ, चिल्ड्रन पार्क में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और बिल्कुल 8 साल से छोटा बच्चा ही वहाँ पर थोड़ा इन्जॉय कर पाएगा, उससे ऊपर 12 साल 10 साल का बच्चे को ज़्यादा मज़ा आने नहीं वाला। सो ओवरऑल नया था, सोचा देखें क्या है, आपको दिखाएँ। सो यही था वीडियो में, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।